अध्यक्ष महोदय, मैंने यहां आते वक्त संयुक्त राष्ट्र की इमारत की दीवार पर पढ़ा नो मोर सिंगल यूज प्लास्टिक। मुझे इस सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, तब इस वक्त आज भी हम पूरे भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही 15 करोड़ घरों को पानी की सप्लाई से जोड़ने वाले हैं। आने वाले 5 वर्षों में हम अपने दूर दराज के गांवों में 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाने जा रहे हैं। वर्ष 2022 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा, तब तक हम गरीबों के लिए 2 करोड़ और घरों का निर्माण करने वाले हैं। विश्व ने भले ही टीबी से मुक्ति के लिए वर्ष 2030 तक का समय रखा हो, लेकिन हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। 1. सवाल ये है कि आखिर ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं? आखिर नए भारत में बदलाव तेजी से कैसे आ रहा है? अध्यक्ष महोदय, भारत हजारों वर्ष पुरानी एक महान संस्कृति है जिसकी अपनी जीवंत परंपराएं हैं, जो वैश्विक सपनों को अपने में समेटे हुए हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जीव में शिव देखती है, इसलिए हमारा प्राण तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्याण, और ये जन कल्याण भी सिर्फ भारत के लिए नहीं, जग कल्याण के लिए हो। जन कल्याण से जग कल्याण, और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सिर्फ भारत की सीमाओं में सीमित नहीं है। हमारा परिश्रम न तो दया भाव है और न ही दिखावा, ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरित है। हमारे प्रयास 130 करोड़ भारतीयों को केंद्र में रखकर हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं वो सारे विश्व के हैं, हर देश के हैं, हर समाज के हैं। प्रयास हमारे हैं, परिणाम सभी के लिए है, सारे संसार के लिए है। मेरा ये विश्वास दिनों दिन तब और भी दृढ़ हो जाता है जब मैं उन देशों के बारे में सोचता हूं जो विकास की यात्रा में भारत की तरह ही अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जब मैं उन देशों के सुख दुख सुनता हूं, उनके सपनों से परिचित होता हूं, तब मेरा ये संकल्प और भी पक्का हो जाता है कि मैं अपने देश का विकास और भी तेज गति से करूं।
जिससे भारत के अनुभव उन देशों को भी काम आ सके।